सरकार भले ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने का दम भरती नहीं थकती हो, लेकिन रेवाड़ी जिले में डॉक्टर्स की कमी की वजह से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा समस्या तो सीएचसी और पीएचसी पर बनी हुई है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कैसे मिलेगी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। वर्तमान सरकार को 2 साल का समय हो गया, पर हमारे 50 नाम का बिस्तर का कौशलम अस्पताल है, पर वो पीएचसी से पूरा है, वहाँ कोई इसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है। विद साहब बोल देते हैं, ट्विटर पर भी आ जाती है, पर धरातल के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता कि कोई सुविधाएं बढ़ी है अस्पतालों के अंदर। आप किसी भी अस्पताल का जाकर अगर दौरा करेंगे तो आपको लगेगा कितने मरीजों की लाइन पर लाइन, आपको लंबी लंबी लाइनें दिखाई देगी, और दिन भर वो बैठ कर, कई मरीज तो दिन भर बैठ कर वापिस चले जाते हैं। डॉक्टर तो गिनती की होगी, 2-4 बस, वो भी कभी कभी मिलते हैं और ना भी। इसके अंदर कोई सुविधा नहीं है जी, ना तो डॉक्टर टाइम पे मिलते हैं। जो और दिन भी देखा था कि कोई डॉक्टर ही नहीं मिलता, घर से बुला के लेना पड़ता है, मरीज जाते हैं चक्कर काट चले जाते हैं। ऐसे तो लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल नहीं रही है, वहाँ पे परेशानी हो रही है, लोग जो आपका जीएच है, जीएच में ही उनको भागना पड़ता है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ऐसा है कि कोशिश की जा रही है कि लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए हमने डेपुटेशन कर रखी है डॉक्टर्स की, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने दे रहे हैं, और आने वाले समय में जैसे ही जो भी डॉक्टर्स की कमी है वो पूरी हो जाएगी तो फिर हम बहुत अच्छे से उनको सेवाएं दे सकेंगे। रेवाड़ी से एजआरटीवी न्यूज़ के लिए अजय अत्री की रिपोर्ट।